इतना दुश्मन परेशान कर ले, इंटरव्यू कर इसने कबूल या नेतिम ने। उन लोगों के तो ऐसी सजा होना चाहिए कि जीवन हम छूटे न पावे, जैसा हमारे जीवन से कबूल न मिली हमारे भतीजा। हमारी कहीं नहीं सुनी जाती, मैंने समझाया भैया ये ना करना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। कुलदीप सिंह ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन उनको एसीपी साहब ने जब हमने शिकायत की तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया। पुलिस पुलिस को बचाती है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनका नाम है आशीष कुमार। आशीष की उम्र करीब 22 साल होगी। आशीष के पिता का देहांत 1 साल पहले हो गया था, जिसके बाद माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी आशीष ने उठाई। आशीष आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने आशीष की जान ले ली। आरोप है कि फर्जी मुकदमा और पुलिस अत्याचार से तंग आकर आशीष ने बूढ़ी माँ और भाई को चिट्ठी लिखी और दुनिया को अलविदा कह दिया। मृतक ने रहीमाबाद पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगाया। पुलिस और रसूखदार लोगों पर एक मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोप ये भी है कि एक दूसरे फर्जी मुकदमे के लिए उससे घूस मांगी गई। आशीष ने जाते जाते कागज में सब इंस्पेक्टर राजमणिपाल, सब इंस्पेक्टर लल्लनपाल, आरक्षी मोहित शर्मा और रहीमाबाद के बख्तौरीपुर में रहने वाले नंदू विश्वकर्मा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। उसने रहीमाबाद पुलिस थाने को भ्रष्ट बताते हुए सीसीटीवी कैमरों को चेक कराने की बात कही। ये भी कहा कि दोनों भाइयों को धोखे से थाने में बुलाया गया था और आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर साइन कराए गए थे। मृतक की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मामले में उसे फंसाया गया, पुलिस ने उसके भाई को भी उसी मामले में अभियुक्त बनाया। आशीष की मां सुशीला ने भी इन चारों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। सुशीला ने बताया कि नंदू विश्वकर्मा और आशीष के बीच में 2018 से एक मुकदमा चल रहा था। इस बीच नंदू ने रहीमाबाद पुलिस थाने में आशीष के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई। थाने के एसआई ने मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। मां के मुताबिक ये रुपए आशीष और उसके घर वाले नहीं दे पाए, इस कारण पुलिस ने नंदू से साठगांठ की, उससे पैसे भी लिए। इसके बाद आशीष और उसके भाई पर एक और फर्जी मुकदमा दायर किया गया। इसी से परेशान होकर आशीष ने 11 जून को अपनी जान ले ली। लखनऊ वेस्ट के डीसीपी राहुल राज ने बताया कि मलिहाबाद एसपी को इस पूरे मामले में जांच के लिए नियुक्त किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कह रहा था मम्मी हम बहुत परेशान है, हमारे पे फर्जी लगाया गया है। एक दिन कह रहा था हम इनका सबका लिख के धर के सुसाइड कर लूंगा। हमारी कहीं नहीं सुनी जाती, मैंने समझाया भैया ये ना करना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तब कहने लगा मम्मी अब नहीं कुछ करूंगा। तब हम भैया के अपने साथ ही साथ रहते थे, लेकिन अब अब की बार पेशी पर से जब से गए कुछ नहीं बताए, लेकिन उदास रहते थे। उसके बाद भैया हमसे नहीं के भले कहे मम्मी तुम खेत चली जाओ, हम यहाँ देख लेंगे। ओ हम बड़ा भाई ओ हम खेत चले गए, मेरा बड़ा बेटा और हम, और ये छोटा बेटा मझला बेटा घर पे था। लेकिन छोटा बेटा लखनऊ से एक दिन पहले आया था, वो यहाँ का कुछ हालचाल कम जानता है। तो उसको कुछ पता नहीं था, उससे बताया नहीं जाता था कि ये पढ़ने में भी डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे इसने डिस्टर्ब किया। हमारा छोटा बेटा महीने दो महीने में आता नहीं। अधिकारियों को लेकर आपने शिकायत की इसकी, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था? शिकायत सब कहीं की, मलिहाबाद एसीपी साहब विक्रम अग्नि सिबते उनसे के बार चार बार मिली, रहीमाबाद कुलदीप सिंह से कम नहीं 10 बार मिली। कुलदीप सिंह ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन उनको एसीपी साहब ने जब हमने शिकायत की तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया। पुलिस को बचाती है। अब मैं क्या इसके आगे कह सकता हूँ। हाय यहाँ से मैं महानगर गया, वहाँ से मुझे मलिहाबाद भेजा गया। हमें गुहार लखनऊ तक लगाया, लेकिन मेरी गुहार नहीं कहीं सुनी गई। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही डिपार्टमेंट ने 2 सब इंस्पेक्टर सहित एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए, साथ ही इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। राम गहदो में आशीष कुमार नाम के एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया है, जिसमें उसके प्रतिपक्षी 3 लोगों के साथ रहीमाबाद थाने के 3 पुलिसकर्मियों का भी नाम है। इस संपूर्ण इस प्रक्रिया की जांच के लिए एसीपी मलिहाबाद को नामित किया गया है
और सुसाइड नोट की भी जांच की जाएगी, लेकिन जांच सम्यक रूप से हो, निष्पक्ष हो, इसलिए तीनों पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।